चुकी हमारे भाइयों के साथ में माताएं बहनें भी सुन रही हैं, तो थोड़ा बहुत इनके मतलब का भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। एक गीत आया और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या कहा बेटे, अरे दिल लगी ने दी है। आज केवल नारियों की बात होगी, बस तीन नारियां हैं और देखिए वो तीनों नारियां क्या कर रही हैं। क्या बेटा? वैसे हर नारी की इच्छा होती है, हर नारी के मन का ये भाव होता है कि मैं हमेशा अपने पति के चरणों में रहूं, हमेशा अपने पति के चरणों की सेवा करूं और पति के चरणों को ही वो अपना स्वर्ग मानती हैं। बिल्कुल बेटे। कैसे कहा गया कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या बात। लेकिन कुछ नारियां ऐसी हैं, देखें आप वो कर क्या रही हैं। क्या? सुनिए सुनिए पढ़े लिखे लोग, ये पहला पेपर है हिंदी का। कहा गया क्या? बेतुके हालात में क्या बात है, वाह बहुत सुंदर। क्या बात बेटे, क्या बात है, वाह बहुत सुंदर, वाह क्या बात। उजली वाला हाथ। क्या बात बेटे, अगर उधर मोटू है तो इधर पतलू है, क्या बात। बात बढ़ गई तो क्या हुआ? क्या बेटे हालात में बात की एक बात में बात कितनी बढ़ गई श्रीमान जी के चरणों में रहने वाली हो, ये चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई। वाह बेटा वाह, सुनिए चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई। आप लोग थोड़ा शांति बना रखो, आपके मतलब की बात कर रहे हैं। हाँ
भैया जी, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई। अब कौन चढ़ गई, कैसे चढ़ गई, कैसे, जरा सुने आप, सुने तो बात इतनी बढ़ गई। अरे चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, गंगा का आह्वान कर रहे हैं। हाँ, समझते रहिए, माँ गंगा का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन गंगा जी ने कहा, अरे भगीरथ, तुम मेरा आह्वान तो कर रहे हो, लेकिन मेरे जल का वेग इतना ज्यादा है, मेरी धारा इतनी तेज है कि जब मैं धरती पर आऊंगी तो धरती का सीना चीरती हुई सीधी पाताल लोक को चली जाऊंगी। हाँ, मैं धरती पर नहीं रुक पाऊंगी। ना बेटे ना, ये सुनकर के राजा भगीरथ उदास हो गए और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, महादेव अब आप ही कोई रास्ता बताइए। तो बाबा भोलेनाथ ने देखा कि गंगा जी को घमंड हो गया। बाबा भोलेनाथ का, हे गंगा, चुपचाप बैठो, जाना भाव मत खाओ। ये प्रीति बिटिया की तरफ से 11 मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए बाबा भोलेनाथ का, एक गंगा, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटे, और यदि तुमको अपने तेज धारा पे घमंड है तो अब आओ, 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 मैं तुम्हारा आह्वान कर रहा हूँ। और जब तुम धरती पर आओगी तो धरती तो बाद में, मैं पहले तुमको अपनी जटाओं में धारण करूंगा। गंगा मैया चल पड़ी और ये सोच रही थी भोलेनाथ पहले संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन जब आई तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो नख से निकली भगवान विष्णु के पांव के अंगूठे के नाखून से हुआ। हाँ। और इनका नाम पड़ गया विष्णुपदी। हाँ। तो मैं कह रही हूँ, नख से निकली विष्णु जी के, हो गई विष्णुपदी, और शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी। जब भोलेनाथ की जटाओं में आ गई तो ऐसे उलझ गई कि दोबारा निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, सारा घमंड चूर चूर हो गया। और जब घमंड चूर चूर हो गया तो बोली क्या, पाई जब ना रास्ता, ये जाने दुनिया दास्ता, अरे ऐसी कहानी कर गई, ऐसी कहानी कर गई, तो चरणों में रहने वाली हो, विष्णु भगवान के पांव से निकली है। हाँ। तो ये चरणों में रहने वाली विष्णु जी के, अरे चरणों में रहने वाली, लेकिन भोले बाबा के खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। आइए दूसरी नारी देखें आप, ये वो कौन है, कौन,
हेलो, इस माइक का बेस आप कम कर दिए थोड़ा सा, आवाज पतली कर दी, थोड़ा गेन बढ़ा दे मेन माइक का। हेलो 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 दूसरी नारी कौन है? कौन बता, कौन? आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु ने वृंदा नाम की नारी के साथ छल किया, लेकिन ये वृंदा कोई साधारण नारी नहीं है ना? ये है कौन? कौन? तो लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, ये वृंदा माता लक्ष्मी का ही अवतार है, और जब विष्णु भगवान ने वृंदा के साथ छल किया तो वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, कहा जाओ प्रभु आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ। और जब पत्थर बनने का श्राप दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, और यही भगवान विष्णु बन गए शालिग राम, वाह, पत्थर की बटिया शालिग राम बन गए, और वही वृंदा नाम की नारी बन गई तुलसी। और जब तुलसी बन गई तो विष्णु भगवान सोचने लगे कि जब ये लक्ष्मी के रूप में थी तब तो हमेशा मेरे चरम दबाती रहती थी, लेकिन आज जब तुलसी बन गई तो क्या कर रही है? जाए ना ये दुख सा संकट देखो पलरा, और ये नारी मेरे मथे पड़ गई, अरे मेरे मथे पड़ गई तो चरणों में रहने वाली, अरे चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, शालिग राम जिनके सर पे तुलसारी चढ़ी रहती है। अब आइए एक बात और सुनिए, और तीसरी नारी कौन? कौन बेटा, कौन? थोड़ा सा आपको कथानक बता दूं। एक बार दशरथ जी शिकार खेलने जंगल में चले गए, तो बड़ी दूर निकल गए, और जब दूर निकल गए तो घने जंगल में राजा दशरथ को बड़े जोर से प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी का कोई साधन नहीं नजर आ रहा था। तभी उन्होंने देखा तो दूर एक कुटिया दिखाई पड़ रही थी। दशरथ जी कुटिया के पास गए, आवाज लगाई, कोई है? कोई है? तो उस कुटिया के अंदर से बिल्कुल जर्जर काया वाली बुढ़िया बाहर निकली। बुढ़िया बोली, कहिए क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? काहे चिल्ला रहे हो, बाहर बेल लगी है, नहीं बजा सकते हो? दशरथ जी ने कहा, माता जी बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर पानी हो तो पिला दीजिए। तो बुढ़िया अपने कुटिया के अंदर गई और बढ़िया ठंडा ठंडा पानी लेकर आई, फ्रीज का पानी था, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी ले आई। दशरथ जी ने खूब पेट भर के पानी पिया, आत्मा तृप्त हो गई उनकी। अब दशरथ जी कहने लगे, माता जी आपने हमें जल पिलाया है, हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ मांग लें। तो बुढ़िया ने कहा, क्या कहा? हम तुमसे कुछ मांगे? अरे जाओ जाके काम करो अपना, अरे हम तुमसे क्या मांगे, क्योंकि तुम तो खुद ही हमसे पानी मांग रहे हो, हम तुमसे क्या मांगे? तो दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं माता जी, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाई। ना बेटे ना, कृपया अपना आधार कार्ड दिखाओ।
शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। अरे मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूँ और मैं चाहता हूँ आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो दशरथ जी की बात सुन के बुढ़िया कहने लगी, अगर आप उन्हें वरदान देना चाहते तो पहले वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वही आप दोगे। दशरथ जी ने कहा, हाँ माता जी मैं वचन देता हूँ, आप जो मांगोगी वही मिलेगा। तो बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे दीजिए, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिनों तक अयोध्या की गद्दी पर राज करूं। ये सुनते ही दशरथ जी के पांव तले से जमीन निकल गई। दशरथ जी सोचने लगे, ये बुढ़िया क्या मांग रही है। फिर थोड़ी देर बाद दशरथ जी ने बुढ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सोचने लगे, चलो दे देते हैं वरदान, कौन से बहुत दिनों जिंदा रहने वाली है ये, आजकल परसों में चल बसेगी, फिर कौन राज करेगा। उन्होंने कहा, ठीक है माता जी, हम आपको वचन देते हैं, वरदान भी देते हैं, लेकिन श्रीमान जी कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। उस समय दशरथ जी जंगल से चले गए, लेकिन वो बुढ़िया और कोई नहीं, वो बुढ़िया की ताड़का। ताड़का। और जब भगवान श्री राम के हाथों ताड़का का वध हुआ, विश्वकर्मा जी आए, तो विश्वकर्मा जी ने ताड़का के कूल्हे की हड्डियों से खड़ाऊओं का निर्माण कर दिया। खड़ाऊओं का निर्माण कर दिया, वही खड़ाऊ पहन करके भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। लेकिन जब भरत जी उनको मनाने पहुंचे तो राम जी ने आने से मना कर दिया और वही खड़ाऊ उतार करके भरत जी को दे दी। तो वही खड़ाऊ जब भरत जी लेके चलने लगे तो देखिए सोच क्या रहे हैं। भरत जी जब वो खड़ाऊ लेके चले, वो खड़ाऊ उन्होंने अपने खोपड़ी पर रख ली, और जब वो खड़ाऊ खोपड़ी पर रखी तो खड़ाऊ सोचने लगी। क्या खड़ाऊ सोच रही है? क्या भाई को मनाते भाई, और भाई से ही पाई भाई, ये खड़ाऊ भाई द्वारा पड़ गई। ये चरणों में रहने वाली, लेकिन भरत जी के ये खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई। सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कहा भी गया है जल ही जीवन है। अरे बहुत है, आओगा आप चाहे जितने बता दिए कुछ ना कुछ तो बचा ही रहेंगे। कुछ ना कुछ तो बचा ही रहता है, उसी में लिखा होता है शेर दिल जवानों के लिए। बीना वाले कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आने के लिए कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा है समय बर्बाद करने से। ऐसे कई स्लोगन है, नहीं कई है ऐसे। आइए एक गीत आपकी ओर दोहराया है। कौन सा गुरु, कौन सा? हेलो, I'm
गीत आया है पूर्व और आपने कहा है क्या कि दिल लगी ने दी हवा आवाज बहुत अच्छे दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई वाह और आग जल गई तो तेरी मेरी दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती प्यार में आई है बहुत बढ़िया बात आपकी आई है बेतु के हालात में आज की इस बात में बात कितनी बढ़ गई और चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई राखी जी बिल्कुल सही है इसमें कोई दो है 90% दुख परेशान है बिल्कुल यहाँ तक की 5% मान लीजिए 5% मेरी तरफ से चलिए आपकी बात आई चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई आइए जवाब आपने बताया गीत में आपके शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई नदी बन गई अरे जब शिव जी के शीश पे आई तब नदी नहीं बनी है ना नदी कब बनी है हम बताते हैं हाँ तब नदी नहीं बनी है गंगा जी नदी बाद में बनी है बाद में बनी कब बनी है हम बताते हैं हाँ सुन लीजिए जब शीश पे आई तब नदी नहीं बनी है हाँ ना देखो बताते हैं कैसे बनी अरे भागीरथ की प्रार्थना क्या बात है गुरु आप तो ग्रंथों को पढ़ते हैं जानकारी रखते हैं अरे भागीरथ की प्रार्थना ब्रह्मा से की याचना भक्ति इतनी बढ़ गई जियो ध्यान दीजिएगा हाँ भागीरथ की प्रार्थना ब्रह्मा से की याचना तो भक्ति इतनी बढ़ गई अब देखे आपने कहा चरणों में रहने वाली हाँ गंगा जी जब भगवान शिव के जटाओं में आई तो भगवान विष्णु के चरणों में नहीं रहती थी इसको ध्यान दीजिएगा जब बामन भगवान ने चरण बढ़ाया ब्रह्मा जी ने धोया तो गंगा जी नाखून में छिपी अंगूठे के नाखून में और ब्रह्मा जी ने पैर धोया तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई ये पढ़ाई लिखाई के मजे है चरणों में नहीं थी गंगा जी तब ना चरणों में रहने वाली तब हाँ। चरणों में रहने वाली तब नहीं थी वो ये आंगनबाड़ी की पढ़ाई नहीं है मेरा ये भक्ति इतनी बढ़ गई तो कमंडल में रहने वाला चरणों में नहीं थी तब ना भगवान ब्रह्मा के कमंडल में थी हाँ। और जब भागीरथ ने तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया गंगा छोड़ दिया तो कमंडल में रहने वाली कमंडल से कर गई तो
आई कहां। हाँ, समझते जाइए बात को। शिव का किया है तप ये राजा, राजा भगवत ने भगवान शिव की प्रार्थना की। हाँ। तो शिव की प्रार्थना की तो शिव का किया है तप ये राजा, शिव प्रसन्न है हो गए तो जटा में अपनी संभाली, ध्यान जटा में अपनी संभाला, ध्यान में वो पहले ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तब जटा में आई। भगवान शिव ध्यान में खो गए तो भगवान शिव की तपस्या की राजा, तब दो बार भागीरथ के पीछे है, भागीरथ भागीरथ के पीछे है, भागीरथ के पीछे है। ये देखा, ये सुमन जी की कलम है। भागीरथ रथ से जा रहे हैं और गंगा पीछे पीछे चली आ रही है। आपकी कलम भी बहुत रफ्तार से चल रही है। ये बेटा ये संतोष के फूफा की कलम है। अरे भागीरथ के पीछे है, भागीरथ के पीछे है तो कहानी ये मुड़ गई, कहानी ये मुड़ गई। अब देखे खोपड़ी में रहने वाली, खोपड़ी में रहने वाली अब धरा पे उतर गई। तो आश्रम को उड़ा दिया, लेके चली गंगा और जन्नू ऋषि की तपस्या भंग हुई तो फिर जन्नू ऋषि ने पी लिया तो राजा परेशान है। जन्नू ऋषि ने गंगा को लिया पी लिया, अब राजा भगीरथ फिर परेशान है कि गंगा जी फिर से मुक्ति मिले कैसे। खोपड़ी से धरती पे आ गई, अब पी गए जन्नू ऋषि। अब जन्नू मुनि ने पी लिया तो राजा परेशान है, और मुनि से निवेदन करते वो बड़े हैं। एक रिश्ता बन गया यहाँ। अब क्योंकि राजा भगीरथ ने फिर जन्नू ऋषि की प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया कि गंगा को छोड़ दीजिए। सुनिए, जवाब सुनिए भैया आप लोग। पिता कहा मुनिको गंगा, रिश्ता जुड़ गया। पिता कहा मुनिको गंगा, भागीरथ का मन चंगा और रिश्तेदारी जुड़ गई। जन्नू ऋषि को पिता मानना पड़ा, जब पिता माना तो रिश्तेदारी जुड़ गई। उदरों में रहने वाला उदर में है, जन्नू ऋषि पी गया गंगा को। उदर में रहने वाली जंगा से खोपड़ी में रहने वाली